हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। उसी तरह मैं आज आप लोगों को एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूँ जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है आने वाले दिनों में, तो आप उस स्टॉक को जो है बेफिक्र खरीद सकते हो। और कौन सा स्टॉक है तो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, यूपीएल। अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस है 591, ठीक है, ये आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा और आपको अच्छा रिटर्न भी निकाल के देगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये स्टॉक आपको क्यों खरीदना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज के डेट में इस स्टॉक में गिरावट हुई है, ठीक है, आज के डेट में। लेकिन दोस्तों, ये स्टॉक का अगर हम परफॉर्मेंस देखें, कंटिन्यूसली अगर इसका परफॉर्मेंस देखते हैं, तो ये स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है अप ट्रेंड में है। मतलब कि दोस्तों, ये नीचे जाने वाला स्टॉक में से नहीं है। ये कंपनी का अगर आप मतलब कि इसका जो स्ट्रांग जो इसका कैपेसिटी है वो जान जाइएगा, तो आप बोलिएगा कि हाँ, ऐसे कंपनी को हम बाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये कंपनी बोनस देती है, ठीक है, बोनस के साथ साथ आपको अच्छा डिविडेंड देती है। और क्या दे सकती है, जितना हो रहा है दोस्तों ये कंपनी आपको दे रही है। और ऊपर से दूसरी बात, और ऊपर से दोस्तों ये कंपनी देख सकते हैं 200 के आसपास ये ट्रेड करती थी, और आज के डेट में ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी इसने जो है 700 के आसपास जो इसने हाईएस्ट बनाया था, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते हैं 600 के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा। तो ये आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको बाय कर सकते हैं। ऐसा स्टॉक दोस्तों मिलता बहुत कम है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो मतलब कि अप ट्रेंड में चलने वाले स्टॉक होते हैं, ठीक है, अगर वो बाय चांस गिर जाए ना, तो आपको बेफिक्र होके उसको खरीद लेना चाहिए, बेफिक्र होके, ठीक है। देखिए मैं आपको 5 ईयर का ये दिखाता हूँ, डेट चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टॉक भारी मात्रा में गिरावट हुई थी, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर नहीं खरीदा उनको प्रॉब्लम हुआ। क्यों? क्योंकि फिर देखिए स्टॉक ऊपर चला गया। आप कंफ्यूज हो जाइएगा 1 मिनट के अंदर, अगर किसी भी स्टॉक को अगर आप नोटिस कर लीजिएगा, तो वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है, अप डाउन, कि आप उसको जज नहीं कर पाइएगा कि मैं क्या करूँ, या इसको खरीदूँ या इसको छोड़ दूँ, आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो उसी तरह कंपनी को दोस्तों कभी भी खरीदते हैं तो प्राइस देख के नहीं, वजह देख के खरीदना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये हमारे वरेन बफेट जी ने बताया है। बस मैं उनका नॉलेज आपको दे रहा हूं, ठीक है। उतना नॉलेज नहीं है मेरे पास वरेन बफेट जैसा, लेकिन मैं आपको मतलब थोड़ा जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। जब भी हम कोई कंपनी को खरीदते हैं तो उसको हम प्राइस देख के नहीं, हम उसका वजह देख के खरीदते हैं। किस वजह से मैं इस कंपनी को खरीद रहा हूं, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, और ऐसा क्या वैल्यूएशन है इसका कि मैं इसी को खरीदना चाहूंगा, तो इस चीज को जो है वरेन बफेट ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। देखिए इसलिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया 1 मिनट में इतना ज्यादा अप डाउन इसका प्राइस हो जाएगा कि आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए हम जो है प्राइस नहीं, वजह देखना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो उसी टाइम मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला। अब तो आप बोलिएगा कि कम से कम एक प्रूफ दिखाइए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्रूफ दिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक प्रूफ नहीं सामने आता तब तक किसी भी चीज़ को हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते, साबित नहीं कर सकते, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में आपको यूपीएल लिमिटेड के बारे में कई वीडियो बना के बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते, यहां पर लिखा गया है यस बैंक और यूपीएल लिमिटेड, अपना टाइम आ गया। ये वीडियो बहुत पहले बना था। उसके बाद यहां देख लीजिए टाटा एलेक्सा, यूपीएल भी इसमें ये था दोस्तों इंक्लूडेड था, उसमें भी मैंने लिखा था सस्ते में मिल रहा है ये सारे स्टॉक, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहां पर मैंने लिखा था यूपीएल लेटेस्ट गुड न्यूज करके, और मैंने साफ साफ ये भी बोला था। मैंने दोस्तों ये सारे जो वीडियो है मैंने उस टाइम बनाया था जिस टाइम यूपीएल का प्राइस बहुत बहुत ज्यादा गिर चुका। आप देखिए, आपके सामने मैं वीडियो प्ले करता हूं, ठीक है, आपके सामने देखिए। 1 मिनट दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिखा है यूपीएल लेटेस्ट गुड न्यूज़, ठीक है, सीजनल इफेक्ट के कारण स्टॉक गिरा है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट, क्योंकि जब आपको डेट पता चल जाएगा तो खुद आप जो है अपने खुद से जो है एनालिसिस कर सकते हैं बाय योरसेल्फ कि हाँ, पहले जो स्टॉक का प्राइस था और आज के डेट में स्टॉक का जो प्राइस है वो क्या है, तो ऐसे जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट देख लीजिए आपके सामने, यहाँ पर मैं बता देता हूँ दोस्तों, 7 नवंबर को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, 7 नवंबर को, और पहले ये जो स्टॉक का प्राइस बहुत बहुत ज़्यादा गिर चुका था। अब मैंने आपको प्रूफ के तौर पे डेट दिखा दिया। अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा कि कब यूपीएल का प्राइस गिरा हुआ था। तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि ज्यादा पैनिक मत होइए, होल्ड कीजिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब आपके सामने वीडियो प्ले करता हूं।
दिखा रहा हूँ 5 ईयर का, यहाँ पर देखिए 5 ईयर का चार्ट आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। देखिए ये 5 ईयर का, देखिए जब फर्स्ट इसने हाईएस्ट बनाया था दोस्तों, तो ये देखिए बहुत अच्छा ही गया था, लेकिन उसके बाद इसने एक बाउंस बैक नीचे में भी लिया था, डाउनफॉल लिया था उसके बाद। तो क्या होता है दोस्तों, ये क्रोप है, मतलब कि सीजनल इफेक्ट बढ़ते रहता है। जैसा देखिए अगर क्रोप अच्छा हो रहा है, चाहे जो भी खेती अच्छे से हो रही है, तो दोस्तों इसका भी है डिमांड इंक्रीज होता है और सप्लाई भी इंक्रीज होता है साथ में। तो उसी तरह जब इसका मौसम चला जाता है तो देखिए भारी गिरावट आता है, तो फिर ऊपर जाता है, तो फिर गिरावट आता है। उसी तरह दोस्तों ये सीजनल इफेक्ट है, आप ज़्यादा घबराइएगा मत। मान लीजिए जिन्होंने खरीदा है बहुत हेवी क्वांटिटी करके, मैं बोलूँगा होल्ड रखिए, बस अपना जो इंटेंशन है 1-2 दिन के लिए मत रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, आपका जो है प्रॉफिट लेके निकलिएगा। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर मैंने क्या बोला इस वीडियो में कि जिन्होंने भी हेवी क्वांटिटी खरीदा, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं, ठीक है, मैंने उनको बोला कि आप लोगों को कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिए, आप लोग यहाँ से जो है प्रॉफिट लेके निकलिएगा, बस अपना जो इंटेंशन है 1-2 दिन के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के तौर पर कर दीजिए, एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ठीक है। और मैंने ये कब वीडियो बनाया था, जब यूपीएल में गिरावट आया था दोस्तों, जब किसी भी स्टॉक में अपर मूवमेंट आता है तो सब लोग बता देते हैं कि हाँ यस बैंक में 5% की गिरावट है या 30% का अपर सर्किट है, कोई भी बता देता है होने के बाद, लेकिन होने के पहले पता रहेगा तब तो आप खरीद पाइएगा, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए यूपीएल मैंने कब वीडियो बनाया था, 559, ठीक है, 559 में जब ये स्टॉक था तब मैंने ये वीडियो बनाया था, ठीक है। आपके सामने एक बार और प्ले करके सुना देता हूँ कंफर्मेशन के लिए। इफेक्ट बढ़ते रहता है। जैसा देखिए अगर क्रॉप अच्छा हो रहा है, चाहे जो भी खेती अच्छे से हो रही है, तो दोस्तों इसका भी है डिमांड इंक्रीज होता है और सप्लाई भी इंक्रीज होता है साथ में। तो उसी तरह जब इसका मौसम चला जाता है तो देखिए भारी गिरावट आता है, तो फिर ऊपर जाता है, तो फिर गिरावट आता है। उसी तरह दोस्तों ये सीजनल इफेक्ट है, आप ज़्यादा घबराइएगा मत। मान लीजिए जिन्होंने खरीदा है बहुत हेवी क्वांटिटी करके, मैं बोलूँगा होल्ड रखिए, बस अपना जो इंटेंशन है 1-2 दिन के लिए मत रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, आपका जो है प्रॉफिट लेके निकलिएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों कि हमारे जो कस्टमर है, जो मतलब हमारे से सर्विस लेते हैं, मैंने उनको बोला था यूपीएल को बाय करने के लिए, उन्होंने बाय किया था, तो उनको जो है प्रॉफिट होगा करके मैंने जो सोचिए, मैंने आपको भी बताया और हमारे कस्टमर को भी बताया। देखिए एक बार मैं छोटा सा प्ले कर देता हूँ। वन मोर थिंग दोस्तों, हमने बताया था कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको 1 दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला। देखिए दोस्तों, हमने अपने आप अपने क्लाइंट्स को सर्विस दिया था और आप लोगों को भी बताया था। यहाँ पर देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर देखिए जूम करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ब्लर नजर आएगा। यहाँ पर देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस को मैंने बोला था खरीदने के लिए, और देखिए क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी एक बार 200, एक बार 100, 300 के आसपास प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ। 2 बार खरीदने के कारण इस यहाँ पर एवरेज प्राइस आ चुका है। देखिए यहाँ पर जो एवरेज प्राइस आया था 417 रुपीज आया था दोस्तों, उसका बाद आज देखिए कितना जो है प्रॉफिट बुक हुआ है। देखिए मैंने ये कॉल दिया था 1 नवंबर को, ठीक है दोस्तों, 1 नवंबर को। तो ठीक है दोस्तों, मैं उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा हूँ कि मैंने कितना प्रॉफिट दिया था, उसको छोड़ देते हैं, हम जो है अपने यूपीएल के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। और उसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो करेंट प्राइस चल रहा है यूपीएल का, यहाँ देख लीजिए दोस्तों यूपीएल लिमिटेड का 591, और दोस्तों इसने जो है 600 को भी क्रॉस करके ऊपर गया था, 615 या 20 तक गया था। तो सोचिए मैंने 550 पे बताया था, 550 के आसपास, और इसने जो है 600 तक चला गया, तो मैंने आपको पहले बताया, तब तो देखिए आज के डेट में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह दोस्तों अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, लेकिन उसके पहले एक कंडीशन है। देखिए बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे डेमो चाहिए, ट्रायल चाहिए या सैंपल चाहिए, जो भी चाहिए, तो मैं डेमो ट्रायल या सैंपल जो भी है मैं उनको पर्सनली नहीं दे सकता। पर्सनली इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि हमारे यहाँ से यूट्यूब में जो है वीडियो अपलोड करके बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने 590 के भाव में है, अभी जो लोग भी खरीदे हैं उसका प्राइस इंक्रीज होगा, वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया कि आज जो प्राइस गिरा वो अलग है, लेकिन पहले भी मैंने आपको बताया था खरीदने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है दोस्तों, डेमो है, जो भी है, आप सारी वीडियोज को देख लो अगर आपको बिलीव नहीं है। उसके बाद अगर आपको सर्विस चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये देख सकते हैं व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है जो ऊपर वाला है, और नीचे वाला ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।